हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ मधु। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, रेकी मास्टर और टैरो कार्ड रीडर हूँ। ऐसी किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए आप हमारे दिए गए इस वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर अब स्पिरिचुअल कोर्सेज भी अवेलेबल हो रहे हैं। पेंडुलम डाउजिंग का इंग्लिश था, हिंदी भी अपलोड हो चुका है। अभी धीरे धीरे और भी होते ही जाएंगे। डबिंग के कारण टाइम लग रहा था, बट अब डबिंग वाला काम खत्म हो गया है। अब जो भी कोर्सेज होंगे मैं सारे हिंदी में ही डालने वाली हूँ, इंग्लिश अवेलेबल नहीं रहेगा। सिर्फ पेंडुलम का ही इंग्लिश एंड हिंदी अवेलेबल। साथ ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, आप चाहे तो उसका लाइक ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यहाँ पर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी अपडेट होते रहोगे, साथ में आपको कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज भी मिलती रहेंगी, कुछ एनर्जी सर्कल्स भी मिलते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर हमें मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की टॉपिक की तरफ। वैसे वीडियो कुछ और बनाना था, बट आज मैं सबसे पहले आप लोगों के पास ये टॉपिक लेकर आ रही हूँ आप लोगों के सामने कि सबलिमिनल्स काम क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आए मुझे इससे रिलेटेड। ठीक है, एक तो जैसे एक सबसे पहले जो कंसर्न रहा कि स्टीरियो ईयरफोन्स की ज़रूरत होती है, तो गाइस ये डिपेंड करता है सबलिमिनल मेकर पर। अगर वो मेकर ऐसे ही बना रहे, जैसे बाइनॉरल बीट्स वाले अगर जो सबलिमिनल्स होते हैं उनमें क्या होता है, ईयरफोन की ज़रूरत होती है दोनों कानों में। उसमें भी स्टीरियो ईयरफोन का तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई सबलिमिनल मेकर ऐसा स्पेशली कुछ ऐसा बना रहा है कि स्टीरियो ईयरफोन होगा, तो ही जो उसमें एफर्मेशन से वो आपके कानों में इसको मतलब प्रॉपर जाएंगे, सबकॉन्शियस कनेक्ट कर पाएगा, देन दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। तो वो सबलिमिनल मेकर से कंसर्न है, उस चैनल से कंसर्न है। अदरवाइज नॉर्मली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप तो बिना ईयरफोन के ऐसे भी सुन के कर सकते हो। मैं कितने सारे सबलिमिनल्स तो मैं रात में ऐसे ही एकदम धीमा साउंड करके अपने बगल में बजा के सोती हूँ। कितने सारे तो ऐसे ही काम कर जाते हैं। हिप्नोडाडी का देख लो, या फिर ऐसे कुछ है चैनल मेकर्स जिनके कई सारे सबलिमिनल बाइनॉरल बीट्स के होते हैं। बाइनॉरल बीट में क्या होता है कि दोनों कानों में दो अलग तरह की वॉइस आती है। ठीक है, एक एक की प्रोग्रामिंग होती है एक तरफ में आने के लिए, दूसरे की प्रोग्रामिंग दूसरे टाइप की वॉइस की होती है दूसरे कान में आने के लिए। तो वहाँ आपको या तो बिना ईयरफोन के सुनो, या तो ईयरफोन्स चाहिए तो दोनों कान में ही लगे होने चाहिए। ऐसे ही आप बाइनॉरल बीट्स सुन सकते हो, चाहे उनसे बाइनॉरल बीट्स के साथ जो भी सबलिमिनल्स हैं उनको आप वैसे सुनना पड़ेगा। अदरवाइज जो नॉर्मल सबलिमिनल मेकर्स हैं, जैसे आपका ये मौजा मॉफ की भी आई गेस ऐसा कुछ उनका भी रूल नहीं रहता है, सिनर्जी हो गया, सोलर सब्स हो गए, लोला सबलिमिनल्स, कपिल सू, राइमी, जैसे इतने सारे चैनल्स जो मैं ज़्यादा मोस्टली फॉलो करती हूँ, इन का तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं, बिना ईयरफोन के भी आप सुन सकते हैं। और दूसरा रीज़न सबलिमिनल नहीं वर्क करने का होता है, यहाँ भी आप डेस्पिरेट नहीं हो सकते हो। ठीक है, जो कहते हैं ना कि सबलिमिनल नहीं है तो आप अगर डेस्पिरेट हो किसी चीज़ के लिए तो सबलिमिनल सुनो काम हो जाएगा। डेस्पिरेशन तो हर जगह आपके काम करोगे ही। सबलिमिनल आप सुनते जा रहे हो कि आपका वेट लॉस हो गया, वेट लॉस हो गया है, एंड आप कॉन्स्टेंटली डेली जाकर अपना वेट चेक करते रहते हो। वो 60 का 60 पड़ा है, वो 70 का 70 पड़ा है, तो सबकॉन्शियस माइंड तो एक झलक में हर एक चीज़ को ले लेता है। सबलिमिनल सिर्फ ऑडियो नहीं होते, विजुअल्स भी होते हैं। वो जो भी आप एफर्मेशन आ रहे हैं वो आप रीड भी नहीं कर पा रहे हो, बट आपका सबकॉन्शियस कैच कर ले रहा है। वो एक झलक काफ़ी होती है सबकॉन्शियस कोई भी मैसेज को रिसीव करने के लिए। मोबाइल पे वॉलपेपर टेक्निक होता है ना विश मैनिफेस्ट करने के लिए, आई होप आप लोग जरूर जानते होंगे। वो वॉलपेपर क्या होता है, हम लोग तो हार्डली उस वॉलपेपर को देखते हैं, मोबाइल खोला अपना काम करते रहते हैं, देखते क्या है वॉलपेपर को, हम कॉन्शियसली नहीं देखते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस एक झलक को पकड़ लेता है, उस विजन को पकड़ लेता है, उसे तुरंत देख लेता है। सबकॉन्शियस माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो अगर आप किसी गोल के लिए सबलिमिनल सुन रहे हो और अगेन उससे कुछ एडवर्स काम कर रहे हो, यानी कि कुछ नेगेटिव काम कर रहे हो, ऑपोजिट काम कर रहे हो, तो फिर वो आपको ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा, क्योंकि एक बार एफर्मेशंस आ रहे हैं कि काम हो गया, अभी सबकॉन्शियस तैयारी हुआ था कि काम हो गया, अब उसको तुरंत ही कुछ काउंटर पार्ट मिल जा रहा है कि काम नहीं हुआ है। वो तो खुद ही कंफ्यूज होकर है सबकॉन्शियस माइंड, अब मैं जो सबलिमिनल सुन रहा हूँ उसको सुनो, या फिर ये जो बंदा देख रहा है या सुन रहा है या सोच रहा है मैं उसको सुनूँ। तो यहाँ भी आपको उसके लिए डेस्पिरेशन नहीं रखनी है। अगर डेस्पिरेट हो तो सबलिमिनल्स काम नहीं करते हैं। ये मेरा अपना भी अनुभव है गाइस, उस अनुभव से भी बता रही हूँ कि सबलिमिनल्स काम क्यों नहीं करते हैं। ये मेरे साथ भी होता था कि मैं जिन चीज़ों को लेकर पर ज़्यादा ही परेशान उलझी रहती थी वो काम नहीं हो पाता था मेरा सबलिमिनल सुनने के बावजूद भी। और जिन चीज़ों पर अगर मैं अपने लुक और ब्यूटी की बात करूँ ना, अगर मैं उसको रिलेटेड लेकर सबलिमिनल सुनने लगूँ अगर, वो मेरे ऊपर झट से काम करेंगे, क्योंकि मैं नहीं रहती कंसर्न।
मेरी लुक कैसे जा रही, ब्यूटी कैसे जा रही, मैं ना कंसर्न नहीं रहती, ना मैं चेक करने जाती हूँ कि वो मेरे पर काम किया कि नहीं किया। मैंने हेयर लॉस का भी सुना, ध्यान तो कहाँ था, मैं तो सुना अपने बालों से, जब मैं गार्डर निकालती थी, जब मैं बांधी रहती हूँ निकालती थी, मेरे बाल बहुत सारे गिरते थे, बाल झाड़ती थी तो बहुत सारे गिरते थे, तो वो मैंने ऐसे ही गार्डर निकाला देखा, अरे यार एक बाल है सर, जबकि अच्छे खासे बाल निकलते थे, मैं परेशान होती कि मैं गार्डर निकालूँ भी कि नहीं निकालूँ, इतना मेरा बाल गिर रहा था। तो वो उस तरह से हुआ कि मैं तो खुश हो गई ना, रिजल्ट देख के तुरंत खुश हो गई। एक बार भी मैंने नहीं सोचा कि मेरा बाल गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, इस तरह से मेरी बात आप समझो, मैं जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैं जाऊँ मानो ब्यूटी में बहुत सारा होता है ना वाइट स्किन एंड फेयर स्किन टोन का, अगर है मान लो मैं वो भी सुनने जाऊँगी तो मुझे उसका भी टेंशन रहेगा नहीं कि मेरा स्किन कलर फेड हुआ कि नहीं हुआ, पेल हुआ कि नहीं हुआ, तो वो अपना यानी काम कर रहा है, मेरा दिमाग उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं भर रहा है, वो क्वेश्चंस राइज नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैं उसके लिए उतनी कंसर्न हूँ ही नहीं, मैं बस सुन रही हूँ। तो ये चीज़ हर विश में चाहिए, हर विश में आपको टेंशन फ्री रहना है, हुआ कि नहीं हुआ ये टेंशन नहीं लाना है। अगर ये जहाँ ले आए, ये सवाल जहाँ ले आए, ये टेंशन जहाँ आ गया, सबलिमिनल काम करना बंद कर देंगे, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद ही उसका काउंटर पार्ट दे रहे हो। सिर्फ इतना ही सबलिमिनल का वर्क नहीं करने का इश्यू है, इस चीज़ को आपको समझना है एंड सिर्फ इसको आपको रिलीज करना है, इसके अलावा तो कुछ काम ही नहीं बचा है सबलिमिनल्स का। ठीक है, जो भी चीज़ पाना चाहते हो उसका डेस्पिरेशन छोड़ दो, उसके पीछे भागना छोड़ दो, क्योंकि ये आपका डेस्पिरेशन अगेन सबकॉन्शियस को काउंटर पार्ट देगा कि ये काम नहीं हुआ है, ये बंदे का ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करी। एंड सेकेंडली, ठीक है, हाँ चैनल्स की भी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये भी जैसे पार्ट आता है, कुछ लोगों कुछ चैनल्स की सबलिमिनल सूट करती, कुछ लोगों कुछ चैनल की सबलिमिनल सूट नहीं करती, नहीं काम करता है। मौजा मॉर्फ अभी के डेट में सबसे आई गेस फेमस चैनल सबलिमिनल मेकर्स है, बट आज तक उनका सिर्फ एक सबलिमिनल मेरे ऊपर वर्क किया, फिर बाकी कोई करा ही नहीं, जबकि इतने सारे लोगों कितना करता है, रातों रात कर जाता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है उनके एफर्मेशंस आपके अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ कितने कॉम्पेटेबल हो पा रहे हैं। एफर्मेशंस के हम तो नहीं सुन पाते हैं ना, हमें सुनना भी नहीं होता है, सबलिमिनल का मतलब ही है कि हमें सुनना भी नहीं होता है, उसके बारे में सोचना नहीं, वो बस घुस रहा है, आपको म्यूजिक इन्जॉय करना, अपनी कॉन्शियस माइंड को म्यूजिक में इन्वॉल्व रखना है, एंड एफर्मेशंस अपना सबकॉन्शियस में जगह लेते जा रहे हैं, हमें सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर सबलिमिनल्स के एफर्मेशन सुनाई दे रहे हैं, दोज आर एफर्मेशन नॉट सबलिमिनल्स, क्योंकि हमारा कॉन्शियस हम उसे सुन रहा होता है। फाइन, तो जब जिस चैनल का आप देखो कि इस चैनल के सबलिमिनल्स मुझे नहीं सूट कर रहे हैं या फिर नहीं, तो आप डिस्पिरेट नहीं हो उस चीज़ के लिए, फिर भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो स्विच करके देखो कि शायद उनका सबलिमिनल बनाने का टाइप जो है, एफर्मेशन क्रिएट करने का जो टाइप है, वो आपकी प्रोग्रामिंग के साथ नहीं चल रहा है, तब किसी और चैनल को स्विच करके देखो। मुझे हिप्नोडाडी का कितने सारे सबलिमिनल सूट कर गए, कुछ नहीं भी करे, कुछ नहीं काम करा मेरे साथ, कुछ ने बहुत अच्छा काम करा, एंड मेरे ग्रुप के जो एक्चुअली मैं सबलिमिनल्स मैंने जाना था एक कम्युनिटी से, एक फेसबुक कम्युनिटी से, करीब 3-3.5 साल हो गए होंगे मुझे लगता है, वहाँ पर किसी ने सबलिमिनल किसी को रिकमेंड करा था, ये क्या है ये सबलिमिनल, दैट वॉज द टाइम जब मैंने सर्च करा था एंड हिप्नोडाडी मेरे सामने आए थे, बहुत ट्रस्टेड थे उसी टाइम से, तो वहाँ पे लोग कहते थे हिप्नोडाडी का तो वर्क नहीं करता। एंड जब मुझसे रिकमेंडेशन मांगा गया था कि लाइक ऐसी पोस्ट आया था कि आपका फेवरेट मेकर कौन है, आई वाज लाइक हिप्नोडाडी, सब टूट पड़े मुझ पर, क्या आपका हिप्नोडाडी का सबलिमिनल आप पर वर्क कर, अरे ऑफकोर्स करा यार, तब तो मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि इतने सारे सबलिमिनल्स मुझ पर काम करें, और वो लोग कहते उन पर कभी काम ही नहीं करा। सो इट डिपेंड्स कौन सा किस पर काम कर रहा है। मैं आपको जो रिकमेंड कर रही हूँ, मानो मैंने 10 चैनल आपको रिकमेंड कर दिए, 10 चैनल आप पर वर्क कर जाएंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, सो कीप ऑन स्विचिंग। ठीक है, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड सर्च किया कीजिए, जब वीडियो मिल जाए तो उसको आप रिव्यू सेक्शन को देखा कीजिए, अच्छा फीडबैक है, उसके इन्फॉर्मेशन अच्छे, मेन हमें क्या जानना है कि वो चैनल ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, बस इतना ही जानना है। एंड हाँ एक और चीज़, मैंने शॉर्ट्स में गलत बताया था कि मैंने जो हेयर लॉस वाला सुना था वो कपिल सू का था, कपिल सू का हेयर लॉस का मुझे कोई मिला नहीं था, जो मैंने सुना था उसका मैं स्क्रीनशॉट दे दे रही हूँ साथ में, CEE ये चैनल का नाम है, ठीक है, इनका मैंने सुना था, आप इसको देख सकते हो, जब आप खोजोगे ना हेयर लॉस सबलिमिनल स्टॉप हेयर लॉस करके, इनका ऊपर आ जाएगा, ये स्क्रीनशॉट देख के थंबनेल देख के आप पहचान जाओगे, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट कर लेना, वो सबलिमिनल को सुनना, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।